नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां श्यामसा महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर चक्रेश जैन को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल एक व्यक्ति के द्वारा मोबाइल में फोन कर ऑफिशियल काम के लिए बात की गई। डॉक्टर चक्रेश जैन ने ऑफिस टाइम में फोन करने की बात कही तो उनके साथ युवक ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर जैन ने उक्त दुर्व्यवहार की शिकायत करने की बात कही तो आरोपी और आक्रोशित हो गया और अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी है। डॉक्टर जैन ने घटना की जानकारी संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के CMO यत्नेश त्रिपाठी को दी, जिसके बाद CMO ने अमहिया थाना पहुंचकर धमकी देने में उपयोग किए गए मोबाइल नंबर 8080068472 के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि डॉक्टर चक्रेश जैन हेल्पलाइन और अन्य अस्पताल से जुड़ी समस्याओं के निराकरण का कार्य देखते हैं, जिनके मोबाइल में उक्त युवक के द्वारा धमकी दी गई है। आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों के द्वारा हेल्पलाइन नंबरों का दुरुपयोग करने के मामले सामने आते हैं, चाहे वह महिला हेल्पलाइन हो या 100 डायल हो। 108 एम्बुलेंस हो, ऐसी सभी जारी किए गए सार्वजनिक नंबरों का उपयोग करने वालों की खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए शासन प्रशासन को एक निश्चित गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है, जो ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जानी चाहिए। अरे पता नहीं कौन था यार, वो ऐसे हितग्राही शिकायत करता फोन करते रहते हैं जी। वो उससे फोन पे सीधे उठा के जैसे मना किया कि भाई अब शाम को 6-7 बजे पर्सनल फोन पे बात करोगे, तो उससे कहा भाई कल बात करिए। बिल्कुल ओके, गाली गलौज शुरू कर दिया था। तो कोई ये भाई यार बताया भी कि भाई आप गाली गलौज मत करो, FIR कराएंगे तो और ज्यादा और वो हो गया उठपटा। तो सर ये सर डॉक्टर साहब का क्या देखते हैं? हेल्पलाइन देखते हैं ना, हमारे साथ L2 स्तर पे देखते हैं, हमारे से ऊपर का स्तर जो होता है L2 स्तर। हाँ हाँ, ये असामाजिक तत्व तो नहीं है यार जी। एक्चुअली क्या है, हेल्पलाइन के दुरुपयोग से संबंधित खबर आपको इसको इस तरीके से बनाना चाहिए। मतलब कोई 100 में गाली देते हैं, 108 में भी गाली देते हैं, भटका देते हैं लोग भ्रमित करके। हाँ हाँ, मतलब है क्या कि आपकी मदद के लिए बनाई गई है हेल्पलाइन, और उस पर कोशिश होती है लोगों की, विभागों की, कि एक नया रास्ता बनाए तो लोगों की मदद की जाए। बिल्कुल। तो उसका यदि इस तरीके से इस्तेमाल होने लगेगा तो फिर जो है कोई वो नहीं है, और पर कोई शासन को कोई नीति बनानी चाहिए। बिल्कुल, दोनों बातें हैं। बिल्कुल सर, है ना, कि भाई एक सीमा हो किसी से बात करने की, किसी को एंटरटेन करने की एक सीमा हो। ऐसे थोड़ी ना है कि कोई भी कभी भी बात कर ले। इस तरह की बातें हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।